आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लंबी छुट्टी के बाद मैं वापस आ गया हूं। 4 दिन तक, इनफैक्ट 3 दिन तक, 3 दिन तक मैं नहीं था, कुछ काम के लिए बाहर गया था। वापस लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से। जीसी लियोन के अगले चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों। 31 जुलाई तक इंडिया की ज्योग्राफी, हालांकि इंडिया की ज्योग्राफी 80% कंप्लीट हो गई है, 20% बाकी है, और जीसी लियोन किताब, ये दोनों मैं कंप्लीट कर दूंगा 31 जुलाई तक, ले लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। भैया दिख गया ना खूबसूरत नजारा, जंगलों पहाड़ों के बीच में, क्या है ये, लेक झील, बहुत ही सुंदर, किसी भी शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली, टूरिस्ट स्पॉट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट यहां से आप कर सकते हैं, यहां से आप अपने सारी रोजमर्रा के कामों को पूरा कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही बड़ा वरदान है, डैम्स के लिए आर्टिफिशियल लेक्स बहुत बड़ा वरदान है, नदियों के लिए भी वरदान है, लेक्स की आज हम बात करेंगे। तो ये अगला चैप्टर है दोस्तों। आपको पता ही है जीसी लियोंग किताब, जो कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उसको हम समझ रहे हैं। और आज हम देखेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर 9, लेक्स की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है दोस्तों और बहुत ही आसान चैप्टर है। लेक्स होती क्या है, देखिए आपको सिंपल सा समझना है, कुछ नहीं होता है, गड्ढा है ना, गड्ढा, गड्ढे को भरती जाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गड्ढा हो गया, सड़क पे गड्ढा हो गया, बहुत सारी वजह से गड्ढा हो जाता है, ठीक है, अगर सड़क की बात करें, ठीक है, ऐसे ही अर्थ में भी गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके भी कई सारे रीजंस होते हैं, अभी हम देखेंगे। तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है, ठीक, ऐसे ही जो अर्थ में गड्ढे होते हैं उनमें भी पानी भर जाता है। जब अर्थ के गड्ढों में पानी भरता है तो वो लेक्स कहलाती है, और जब भैया रोड के गड्ढों में पानी भरता है तो वो मौत कहलाती है। बहुत ही दिक्कत हो जाती है कभी कभी रोड के गड्ढों में, कभी कभी तो इतने ज्यादा गहरे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है उसमें गया तो उसका तो समझ रहे ना। तो ये चीज है। तो लेक्स कुछ नहीं होता है, ये वो एरिया होता है जो वाटर से भरा होता है, भरा होता है। हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सिंपल है, ठीक है, वही होती है झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर का सोर्स होता है। आपको बता दूं कि जो वाटर होता है, ज्यादातर दुनिया में फ्रेश वाटर लेक्स है, तो आप समझ गए होंगे कि पानी अगर हमको पीना है तो झील बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स जो है ना वो लेक है, पानी का बहुत ही बड़ा। भाई समुद्र से का पानी आप पी नहीं सकते, क्यों नहीं पी सकते, नमक होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। नदियों, अब हर शहर में जरूरी थोड़ी ना नदी हो, तो जो लेक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत तरीके की लेक्स होती है दोस्तों और इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अभी हम यूज पे भी आएंगे और अब हम देखते हैं कि कितनी तरीके की लेक्स होती है और ये ओरिजिनेट कैसे होती है। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो होती है टेक्टोनिक लेक्स। आप ये देख लीजिए, ये आप फिगर देख लीजिए, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो ये कैसे बनती है और ये क्या होती है। आपको पता ही है कि धरती के अंदर प्लेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। अगर आपको ज्यादा समझना है तो ओरिजिन ऑफ हिमालयस का मेरा लेक्चर देख लीजिए। तो इन ये जो प्लेट्स हैं, ये जो धरती के अंदर जो प्लेट्स होती है, रॉक्स होती हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है, ये पास आती हैं और दूर जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है। अब मान लीजिए कोई चीज पास आ रही है, कोई चीज दूर जा रही है, इनका मूवमेंट हो रहा है, तो फॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्रैक्स पड़ जाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई एकदम प्लेन है कोई चीज, अब इसी के अंदर कोई चीज पास आ रही है, कोई चीज दूर होती जाती है, तो उसमें फॉल्ट क्रिएट होते जाते हैं ना, क्रैक्स पड़ते जाते हैं, टूटती जाती है ऊपर की सतह, तो यहां पे भैया हो जाता है क्या, गड्ढा। और यहां पे जब बारिश होती है या और भी जो सोर्स होते हैं वाटर के, वो यहां पे आते हैं और इन गड्ढों को भर देते हैं, जिससे बन जाती है एक झील, समझ गए ना। तो इनको रिफ्ट वैली लेक्स और टेक्टोनिक लेक्स भी बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेक्टोनिक लेक्स और रिफ्ट वैली लेक्स आपके सामने है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस गड्ढे में पानी भरेगा, लेक तैयार, एक अच्छी लेक बनाने की रेसिपी तैयार हो गई, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी तरीके की लेक्स होती है सर्क लेक्स। सर्क्स की हमने बात की थी दोस्तों, आपको याद होगा जब मैंने ग्लेशिएशन का चैप्टर लिया था, आप उस चैप्टर को देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा सर्क्स होते क्या है। सर्क्स लेक्स की बात करें तो जो गड्ढे होते हैं इस तरीके के, सर्कल्स में गड्ढे होते हैं, जो हॉलो जो हेड्स होते हैं वैली के, वहां पे जब बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है, उसमें जब वाटर आ जाता है तो उसको कहते हैं हम सर्क्स लेक। यहाँ पे रेड टार्न जो कि इंग्लैंड में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक
सर्क लेके, आप देख सकते हैं उसको, हालांकि इसमें तो नहीं देख सकते लेकिन आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ना, ये देखिए ये वैली है, ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे हॉलो गड्ढे आपको सर्कुलर होते हैं ये बेसिकली, तो ये आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको क्या दिख गई, सर्क्स लेक। और यहां से देख रहे हैं ना पानी आता जा रहा है, इन सर्क्स से पानी आता जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल, यहां से एक तरीके की वाटरफॉल क्रिएट हो गई है हैंगिंग वैली से। अब ये हैंगिंग वैली क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने ग्लेशिएशन का चैप्टर लिया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो ये जो सर्क्स होते हैं, इनमें जो पानी होता है, जो बेसिकली एक तरीके की सर्क्स लेक बनाता है, तो इनसे पानी आता जाता है और ये हैंगिंग वैली से नीचे गिरता जाता है। और ये क्या क्या भैया हो रहा है, ये वाटरफॉल हो रहा है, और इस वाटरफॉल के कारण एक और लेक बन रही है जिसको हम क्या कहते हैं, रिबन लेक। तो समझ में आया ना, एक तीर से दो निशाने, यानी कि एक लेक से और एक लेक बन रही है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे सर्क्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली वाटर सप्लाई करते हैं, जो कि वाटरफॉल में फिर कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फिर एक और तरीके की लेक जो है वो बन जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों होती है यहाँ पे क्रेटर लेक्स, क्रेटर लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रेटर लेक्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, क्रेटर क्या होता है, बहुत बड़ा गड्ढा, कहाँ पे, वॉल्केनो पे, वॉल्केनो का जो वो गैप होता है ना जहां से लावा निकलता है वो होता है क्रेटर, ठीक है ना, वहां पे अगर पानी भर गया तो उसको कहते हैं क्रेटर लेक। तो ये एक तरीके से काफी ज्यादा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं देखते हैं। आपको बता दूं कि सबसे बेहतरीन अगर आपको क्रेटर लेक देखनी है तो अमेरिका चले जाइए, वहां पे ओरेगन चले जाइए, वहां पे आपको क्रेटर लेक दिखेगी। बेसिकली ये वॉल्केनो होता है, कोनिक सेक्शन होता है, और जैसे ही लावा ऊपर आता है ये एकदम भड़ाक से ऊपर उड़ जाता है और गड्ढा क्रिएट हो जाता है, फिर यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी बरसता है दोस्तों, ठीक है, पानी बरसता है, पानी भरेगा तो ये एक तरीके की लेक बन जाती है जिसको हम कहते हैं क्रेटर लेक। ये डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में ही होती है, अब ये मत सोच लीजिएगा जो असली में जो फटते रहते हैं असली, जैसे अभी एक माउंट एटना फट गया ना, तो वहां पे नहीं, ये डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में ही आपको ये जो पूरा एक तरीके के जो फेनोमेना है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केटल लेक्स की, केटल लेक्स और रॉक हॉलो लेक्स की बात करें। जैसे रॉक हॉलो लेक्स तो नाम से ही पता लग रहा है, ये बेसिकली ग्लेशियर्स में होती है, क्योंकि जब आइस जो बर्फ होती है ग्लेशियर्स में, यहाँ पे जब बहुत सारी बर्फ जो है उनका मूवमेंट होता रहता है, तो क्या करती है कि वो वैली को काटती जाती है, और जब वो वैली को बहुत ज्यादा बहुत तेजी से काट देती है तो काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिससे एक लेक बन जाती है, वहां पे जब पानी डिपॉजिट होगा तो एक लेक बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक हॉलो लेक्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है कास्ट लेक। वैसे दोस्तों बहुत तरीके की लेक्स होती हैं, ठीक है, ढेर तरीके की लेक्स होती है। कास्ट लेक की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कास्ट लेक का एक बेहतरीन नजारा। ये क्या होती है, ये देखिए रेन वाटर जो होता है उसका जो सॉल्वेंट एक्शन होता है वो जो लाइमस्टोन होते हैं ना उनको काटता हुआ चला जाता है, ठीक है, उसको काटता हुआ चला जाता है, मतलब बारिश का पानी यहाँ पे वैली को काट रहा है, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पे अच्छा खासा वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब जब यहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि ये पूरा रेन वाटर फेनोमेना है, तो आप देख सकते हैं कितना कम एक्सटेंट है, लेकिन जब बारिश होती है तो लेक जो है वो बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों बारिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों लेक्स में पानी आता कहां से, देखिए एक तो बारिश से आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है जब गड्ढे होंगे पानी बरसेगा तो ये यहाँ पे भर जाएगा पानी। अब इस तरीके की लेक्स क्या होती है, वेदर पे डिपेंड होती है, मतलब जब बारिश होगी तभी इन लेक्स में पानी होगा। एक रिवर से आता है, ठीक है, नदियों से भी पानी आता है ना, जैसे मान लीजिए कोई लेक जो है, कहीं गड्ढा है और वो नदी के बीचों में आ रहा है या साइड में आ रहा है, तो नदियों का पानी जो है उसको भरता जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तीसरा होता है दोस्तों समुद्र, जी हाँ समुद्र, समुद्र से लेक, अगर समुद्रों में झीलों में पानी भरा तो उसको हम लगून कहते हैं, चिल्का लेक, जैसे आपने चिल्का लेक उड़ीसा में है ना, चिल्का लेक देखा होगा, बिल्कुल भारत की सबसे बड़ी लेक है चिल्का लेक, ठीक है, लेकिन वो सॉल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। तो उस लेक में क्योंकि उड़ीसा एक कोस्टल एरिया है, तो वहां पे जो समुद्र है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चिल्का लेक में पानी सप्लाई करता रहता है, पानी सप्लाई करता रहता है, तो फ्रेश वाटर लेक नहीं है वो, खारी लेक है, ठीक है, और खारी लेकों को ही लगून बोला जाता है, ठीक। तो यहां पे ये कुछ सोर्सेस होते हैं वाटर के, और जैसा कि हमने देखा कि एक ये भी सोर्स होता है कि ढेर सारी लेक्स हो गई और इस तरीके से सर्कस बन गए, और यहाँ पे वाटरफॉल हुई, यहाँ पे एक और लेक बन गई, तो ये भी मैन मेड आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं दोस्तों। जब डैम्स बनाए जाते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना कि यहाँ डैम्स बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिफिशियल लेक जो है वो
क्रिएट हो गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। आपको बता दूं कि जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है नदी में जब बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, तो उन नदियों का पानी इन लेक्स में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, लेक्स भी भर जाती हैं और पानियों का लेवल भी कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर पानी बिल्कुल सूख गई है, गर्मियों के मौसम में अक्सर होता है, पानी नदियों में बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम है, तो यहां पे झीलों से पानी को सप्लाई किया जाता है ताकि जो कांस्टेंट फ्लो है नदियों का वो बना रहे। ठीक है, तो लेक्स के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे का आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, कि अगर हम लेक के फॉर्मेशन की बात करें तो उसको चार में हम डिवाइड करते हैं। एक तो अर्थ मूवमेंट की वजह से लेक्स, ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ मूवमेंट की वजह से लेक। तो भैया कौन सा एग्जाम्पल होगा, टेक्टोनिक लेक्स और रिफ्ट वैली लेक। ये क्यों बनती है, अर्थ में मूवमेंट होता है। दूसरा होता है दोस्तों ग्लेशिएशन की वजह से जो लेक्स बनती है। अब इसका एग्जाम्पल होता है ये जो सर्क्स, केटल, रॉक हॉलो लेक्स, ये सब किसकी वजह से बनती है, ग्लेशिएशन की वजह से। तीसरा होता है दोस्तों जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के से बनती हैं, जो वॉल्केनो फटता है, जो ज्वालामुखी फटता है, उससे बनती हैं, क्रेटर लेक एग्जाम्पल है। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है दोस्तों, लावा ब्लॉक द लेक्स, लावा ब्लॉक द लेक्स। लावा ब्लॉक द लेक्स क्या होती है दोस्तों, देखिए बहुत, जब कोई भी ज्वालामुखी फटता है तो जब उसका लावा बहता है और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो वो एक तरीके से क्या करता है, वो इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन बना देता है, रुकावट बना देता है। तो यहाँ पे बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, जैसे लावा यहाँ पे फैल गया और ये जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये ऑब्स्ट्रक्शन एक तरीके से रुकावट बना देगा। तो यहाँ पे जब पानी बढ़ता जाता है तो एक झील टाइप की आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद हम देखते हैं इरोजन की वजह से जो लेक होती है, कास्ट लेक, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें जो रेन वाटर होता है वो क्या करता रहता है, वो इरोड करता जाता है ना, तो इसी की वजह से बहुत बड़े गड्ढे जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये देखिए है ना इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ये कास्ट लेक, यानी कि लेक्स फॉर्म्ड बाय इरोजन। आखिरी होता है दोस्तों लेक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं। तो जो डिपोजिशन की वजह से लेक्स होती हैं, ठीक है ना, जो सेडिमेंट्स, जो डेब्रिस डिपॉजिट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे सर गड्ढा हो रहा है लेकिन यहां तो डिपॉजिट हो रहा है, भाई इरोजन का तुमको समझ में आता है कि जो सरफेस है वो बार बार इरोड होता गया और वहां पे गड्ढे बन गए, लेकिन अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कैसे लेक बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी आपको बता देते हैं, ये सबसे बेस्ट इसके एग्जाम्पल्स है, ये हैं डिपोजिशन लेक्स। अब इसमें दोस्तों आप देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए लैंडस्लाइड्स आ गई, मान लीजिए एवलांश आ गया, ठीक है, तो अब यहां पे जो भी सेडिमेंट्स है ये पूरा ये होते हुए यहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट क्रिएट कर देते हैं। तो जब पानी इसमें भरता जाता है, बरसता है, ठीक है, या डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर से जब पानी आता है, तो आप देख सकते हैं ना ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट्स हो गए हैं, जो भी डेब्रीज, जो भी सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे वैली में आके डिपॉजिट हो गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेक्स बन गई है। तो इस तरीके की दूसरी, ये दोस्तों मैन मेड लेक्स है, आर्टिफिशियल लेक्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब दोस्तों इंसानों का क्या संबंध है बता देता हूं। देखिए इंसान यहां से क्या क्या करता है, सबसे पहले तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाटरवे बन गए हैं ना, एटलांटिक ओशन को ग्रेट लेक से कौन सा कैनाल जोड़ता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने सारे वाटरवेज हैं भैया, ये झीलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मदद करती हैं, तो ढेर सारे वाटर लेक्स है दोस्तों, और ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, और बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेक्स के पास में आप देखेंगे जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है और इंडस्ट्रीज है, वो काफी ज्यादा फलती फूलती है, हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए, तो यहां से पानी जो है पूरा सप्लाई किया जाता है, मिनरल सप्लाई किए जाते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई किए जाते हैं, वाटर स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भैया, पीने का पानी, आप देख रहे हैं ना कि भारत में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस हो गई है, तो वाटर को स्टोर किया जाता है, बारिश हुई वाटर को स्टोर कर लिया गया और फिर उसको सप्लाई किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए जाते हैं ना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, बड़े बड़े टर्बाइन्स होते हैं, ठीक है, और डैम्स के बिल्कुल बगल में लेक्स होती है, तो वहां से पानी जो है वो लिया जाता है, उसके बाद टर्बाइन घुमाए जाते हैं, फिर बिजली जो है वो आती है, रिवर के फ्लो को रेगुलेट करती है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि एग्रीकल्चर, कृषि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इन लेक्स को कैनाल से भी कनेक्ट किया जाता है, तो जो कैनाल्स में पानी जो है वो ये लेक सप्लाई करती रहती है, और फिर जो है कृषि में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली जो वैलीज में आपको लेक्स मिलेंगी,
जो लेक्स ड्यू टू ग्लेशिएशन, वहां पे आपको ढेर सारे मिनरल्स मिलेंगे। जो रिफ्ट वैली लेक्स होती हैं, क्योंकि भैया अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो अगर अर्थ के मूवमेंट की वजह से कोई लेक्स बनेगी तो सारे मिनरल्स ऊपर आते हैं, तो खुदाई में ढेर सारे हमको कॉपर हो गया, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब सोच रहे होंगे, ये अभी तक क्यों नहीं बोला, टूरिस्ट अट्रैक्शन। अरे देखा है ना भैया, झील में बोट लेके निकल जाओ, घूमते रहो, मजा आ जाती है। भारत में तो नैनीताल चले जाओ, कितनी सारी झीलें हैं वहां पर, कितनी सुंदर सुंदर झीलें हैं। ठीक है, भोपाल निकल जाइए, उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स है ही है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्द नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। डेली लेक्चर आएंगे दोस्तों, छुट्टियां खत्म, काम चालू। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।